अंबेडकर नगर। समाज सेवी बरकत अली का बेटी बचाओ वीडियो फेसबुक पर हुआ वायरल। अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के अहरोना गांव के निवासी गुड्डू श्रीवास्तव ने समाज सेवी बरकत अली को फोन कर कहा, हमारे अहरोना गांव में एक लावारिस बच्ची की लाश मिली है जिसकी मौत हो गई है। समाज सेवी बरकत अली गांव में पहुंचकर बच्ची को प्रशासन के सहयोग से पोस्टमार्टम हाउस में 72 घंटे के शनाख्त के लिए रखवा दिया था। 72 घंटे की अवधि पूरी हुई समाज सेवी बरकत अली ने पोस्टमार्टम हाउस से उस बच्ची का शव उसका अंतिम संस्कार सम्पन्न किया। उसके साथ काशिफ अहमद अंसारी, ऋषभ सावंत, लालजी कल्लू कांस्टेबल देवीपाल बच्ची के अंतिम संस्कार में समाज सेवी बरकत अली के साथ लगे रहे। इस बच्ची का वीडियो फेसबुक पर लगभग 9.5 लाख से अधिक लोगों ने देखा और सभी ने इस घटना की जमकर निंदा की। समाज सेवी बरकत अली की बढ़ती लोकप्रियता समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। लगातार समाज सेवी बरकत अली लोगों की मदद करते रहते हैं, चाहे किसी को ब्लड उपलब्ध कराना हो, चाहे लावारिस लाश का अंतिम संस्कार। इसी के साथ समाज के हर जरूरतमंद की मदद करते दिखाई पड़ते हैं। आज इनको पूरा देश इनके कामों की सराहना कर रहा है। एक दिन ये अंबेडकर नगर से लेकर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। नाम बरकत अली है। तमाम हम लोग लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं जिनका कोई नहीं होता। हम लोग जब मासूम बच्चियों का अंतिम संस्कार करते हैं तब बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। आप लोगों से निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तमाम मैं कार्यक्रम भी करता हूँ और मैंने फेसबुक पर डाला था बेटी बचाओ कार्यक्रम के वीडियो। एक बच्ची का जो है डेथ हो गया था, लगभग 9,60,000 लोगों ने देखा है। कहीं ना कहीं सबके मन में पीड़ा है, तो ऐसा मत करें। बेटियों को बोझ ना समझें, बेटियों को भी जीने का अधिकार दें। बेटी बहुत कुछ करके दिखाएगी और करती भी हैं बेटियां, और बेटियां बाप को बहुत ज़्यादा मानती। प्लीज़ पिता आप हो, ज़्यादा गलती बाप की ही निकलती है। बेटी पैदा होती है आप नर्वस हो जाते हो, तो ऐसा प्लीज़ मत करो। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया ऐसा ना करो। बहुत पीड़ा होती जब बेटियों को हम लोग दाह संस्कार करते हैं, तो आप लोग बेटी बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा बने और बेटियों को जीने का अधिकार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।